नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते बनी मुस्कान। अब देखिए, कार्य कार्य के तीन प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? धनात्मक कार्य। दूसरा ऋणात्मक कार्य। और तीसरा क्या पढ़े थे? शून्य कार्य। धनात्मक कार्य कब होता है? तो जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, बल भी इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। दूसरी बात जब बताई गई थी ऋणात्मक कार्य में, तो बताया गया था कि बल लगाया जा रहा है तो विस्थापन इधर ना हो कि उल्टा दिशा में हो रहा है, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का कोण बना है बेटा? 180 डिग्री का कोण बना है। इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। शून्य कार्य का मतलब कि जब किसी वस्तु को उठा रहे होते हैं उस स्थिति में 90 डिग्री का कोण बने। कितने डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का कोण बने। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। इनके बारे में हम जानकारी ले लिए थे, इनके बारे में जानकारी ले लिए थे, लिए थे ना। चलो बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक होगा ऊर्जा। क्या टॉपिक होगा? ऊर्जा। अगर पीछे के प्रश्नों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट। पीछे के जो झमाझम प्रश्न दिए गए थे इनमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर कमेंट कर दें। कौन सा नंबर प्रश्न बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से गुड़िया कुमारी, जल्दी से। हाँ, ऊर्जा आज का टॉपिक है। ऊर्जा, क्या इन प्रश्नों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से कौन सा प्रश्न बता दें, जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। कोई प्रॉब्लम किसी को इन प्रश्नों में? फटाफट बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम? कमेंट कर दीजिए लोग इन प्रश्नों में जल्दी से फटाफट। पहला प्रश्न क्या है? तो जब किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 6 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की गणना करें, यानी हाउ मच वर्क विल बी डन, यानी यहाँ कितना वर्क होगा, इसी वर्क की गणना करनी है। कोई नहीं, कोई नहीं, सबका कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबू लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का मेन टॉपिक होगा ऊर्जा। कॉपी पेन निकालिए और मक्खी मारना बंद करिए, मेरे साथ लिखते चलिए। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, यानी वर्ड ऊर्जा, ये तो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है या अंग बन चुका है। जैसे मुझे किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वस्तु पे बल लगाएंगे तो भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। पेन से कॉपी पे लिख रहे हैं तो भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। दौड़ रहे हैं तो भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। सांस ले रहे हैं तो भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है बेटा? अपने भोजन से। कहाँ से मिलती है? भोजन से। भोजन में अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। अच्छा मुस्कान, क्वेश्चन नंबर 3 बताना है आपको। अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, अब हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। भोजन हम करते हैं उनमें विटामिन्स होते हैं, उन विटामिन्स द्वारा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम का निर्माण होता है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। शरीर के अंदर ये शारीरिक क्रियाएँ हैं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज बनता है तो उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, पहले दिन हो गए फील्ड में गए, दो चार चक्कर आप लगा लिए फील्ड का, उसके बाद आपके पैरों में ऐंठन होने लगती है, जिसको आप क्या कहते हैं? कीड़ा लग गया। भोजपुरी में कहते हैं ना, कीड़ा लग गया, ऐंठन होने लग गया। तो इस स्थिति में, ऐंठन की स्थिति में हमारे होता गया कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है। हम तेजी से दौड़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट विखंडित हो जाता है और ग्लूकोज बनाता तो है, साथ साथ लैक्टिक अम्ल बना देता है, और हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल दर्द उत्पन्न करता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाथ से कुछ काम कर लिया, ऐसे डंबल लेके मार लिए, तो यहाँ मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। लेकिन अब कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी सबकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, सबकी शारीरिक ऊर्जाएं अलग अलग हैं,
किसी की शारीरिक ऊर्जा बहुत अधिक है, किसी की कम है, तो जिसकी शारीरिक ऊर्जा अधिक है वह कार्य को अधिक करेगा और जिसकी शारीरिक ऊर्जा कम है वह कार्य को कम करेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 था, मुस्कान का बना देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्क करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, बिल्कुल गुड़िया, वर्क करने की क्षमता को बिल्कुल ऊर्जा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ ले। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल लगाकर एक वस्तु को 36 दिशा के साथ 30 डिग्री के कोण पर उसे 8 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाता है। यानी देखो कि सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बेटा, चलो मेरे साथ देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने नंबर का बाबू? 3 नंबर का। अब देखो कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो सबसे पहले बल, बल को किससे डिनोट करते हैं बेटा? एफ से। एफ का मान कितना होगा? 5 न्यूटन होगा। क्लियर है ना? दूसरा देख लो, अब 36 दिशा के साथ, ये 36 दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई? 36 को बेटा कहते हैं वर्टिकल। चलोगे बेटा अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने डिग्री के कोण पे इसे ढकेला जाता है? 30 डिग्री के कोण पे ढकेला जा रहा है। यानी जो थीटा का मान है, थीटा कितना डिग्री हो गया बेटा? 30 डिग्री। यानी थीटा यानी कोण, कोण यानी थीटा, और ये कोण कौन सा कोण होगा बेटा? विस्थापन कोण, डिस्प्लेस्ड एंगल। डिस्प्लेस्ड एंगल इसका मान कितना है? 30 डिग्री। और कितने मीटर तक विस्थापित किया जाता है बेटा? 8 मीटर तक उस वस्तु को विस्थापित किया जाता है। तो 8 मीटर तक, यानी अब आते हैं बेटा तो विस्थापन देखते हैं, तो विस्थापन है 8 मीटर। इसलिए कार्य, कार्य को किसे डिनोट करते हैं बेटा? W से। W बराबर क्या पढ़े होंगे आप बता दीजिए फटाफट। fs cos theta। अंकेश बाबू क्या हालचाल है आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 उस दिन जो दिया गया था वही सॉल्व हो रहा है, यानी W बराबर fs cos theta। तो fs cos theta, चलो बाबू देखना फटाफट इनके मान रखो। f का मान कितना है बाबू? 5। और s का मान कितना है? s का मान 8 मीटर। विस्थापन को s से डिनोट करते हैं ना बेटा, तो 8 × cos theta, cos, और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। और cos 30 का मान क्या होता है बेटा? बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो। तो 5 × 5 × 8 40 हो जाएगा ना, 40। और cos 30 का मान होता है √3/2, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40 × √3/2, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 से देखना बेटा कैंसिल आउट होगा 40, तो 20 × √3, यानी कितना हो जाएगा? 20√3 आपका आंसर होगा। शायद बोर्ड पे लिखा गया ना? हाँ बिल्कुल लिखा गया, ए क्लियर है ना? 20√3 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, और हो गया तो बोलो आगे बढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। नो नहीं हुआ तो चलिए जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया बालाजी, अमित बाबू कहाँ हैं? स्क्रीनशॉट डन। अनुष्का बाबू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हम लोगों का टॉपिक है कार्य। कार्य का परिभाषा मेरे साथ लिखते चलेंगे। सबसे पहले कहता है कि कार्य करने की, किसी वस्तु के कार्य करने की, ऐसे लिखते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को, चलिए देखिए, तो किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, उसकी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। यानी सीधी बात है, इंग्लिश में लिखेंगे द टोटल कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज नोन एज इनर्जी द टोटल कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज नोन एज
इनर्जी यानी किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि ऊर्जा कार्य का परिमाण होता है। ऊर्जा किसका परिमाण होता है? कार्य का परिमाण होता है, यानी आप जितना कार्य करोगे उसी के रीजन में, उसी के अवेज में ऊर्जा की भी मात्रा निर्धारित होगी। जितना कार्य करोगे उतनी ही ऊर्जा आपकी मानी जाएगी। तो सीधा बात दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, और मैं इसको दूसरा लिख सकते हैं कि कार्य ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा यानी, या ऐसे लिख लें, ऊर्जा कार्य का परिमाण होता है, ऊर्जा कार्य का परिमाण होता है। परिमाण, परिमाण का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड होता है, यानी इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं कि ऊर्जा, इनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इनर्जी, इनर्जी इज द अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऑफ वर्क डन, यानी अब देखो इनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। दूसरा बात नीचे से लिखोगे बेटा कि कार्य ऊर्जा को, देखना ऊर्जा, ऊर्जा को, ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं यानी डिनोट करते हैं। डिनोट करने का हिंदी क्या होगा बेटा? सूचित करना, सूचित करते हैं। ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं बेटा? ई से, ऊर्जा का एस आई मात्रक, ऊर्जा का, ऊर्जा का एस आई मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। क्यों? क्योंकि कार्य का परिमाण यानी कार्य ऊर्जा क्या है? कार्य का परिमाण है, यानी जितना इनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी ऊर्जा कार्य की मात्रा है। ऊर्जा क्या है? कार्य की मात्रा है, इसलिए उसकी मात्रा जितनी होगी वही उसकी इनर्जी भी होगी। हाँ बोलिए आप लोग, हाँ आप लोग जा सकते हैं। अच्छा भी चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके, ठीक है सर। इनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, बिल्कुल गुड़िया, इनर्जी का एसआई यूनिट जूल होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सुमित कुमार हाय, हाँ सुमित बाबू क्या हाल चाल है आपका, क्या हाल चाल है सुमित बाबू, जल्दी बताइए सुमित बाबू क्या हाल चाल है। आगे बढ़े हम लोग बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, हाँ गुड़िया, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कार्य के जो एसआई मात्रक होते हैं वही ऊर्जा के भी एसआई मात्रक होते हैं। जो कार्य का एसआई मात्रक है वही ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है, क्लियर है। अल्लू आकाश डांसर, यस सर, बेटा आपका नाम क्या है? ये तो जो दिख रहा है वो नाम तो है नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अच्छा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होगा बेटा, जल्दी से बता दो। ऊर्जा का, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, क्या होता है बेटा? अर्ग होता है। अब पढ़े ही हो कार्य में, सारी चीजें पढ़ कर आए हो ना, क्या पढ़ कर आए हो कि वन जूल, वन जूल यानी जूल, जूल बराबर कितना? 10^7 अर्ग, वन जूल बराबर 10^7 अर्ग, पढ़ कर आए हो ना कि नहीं पढ़ कर आए हो? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतना पढ़ कर आए हो, कोई दिक्कत, पढ़े हो ना। चलो अब एक बात और देखना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बड़ी बड़ी वस्तुओं को उठाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मतलब बहुत बड़ा पहाड़ है, जैसे हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए थे, संजीवनी बुट्टी लाना हो कभी आप बच्चों के लिए मुझे,
और ऐसी संजीवनी बूटी जिससे आप बोर्ड एग्जाम टॉप कर जाए, उस स्थिति में उस पहाड़ को उठाने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा चाहिए। तो इस ऊर्जा का मापन हम क्या करेंगे, किलोवाट में करेंगे, मेगावाट में करेंगे, गीगावाट में करेंगे। क्लियर है ना? क्या बात है सर, वाह। हाँ गुरु जी बिल्कुल, बोलिए सर जी। तो उस ऊर्जा की कितनी, उस ऊर्जा की मात्रा को हम किलोवाट में मापेंगे। तो कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा के बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। जूल उसका क्या है, छोटा मात्रक है। ऊर्जा का छोटा मात्रक क्या बेटा, जूल है। ऊर्जा का छोटा मात्रक जूल है और ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, किलोवाट, मेगावाट, जीगावाट। क्लियर है ना? क्लियर। तो देखोगे कभी कभी लिखेंगे कि कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, तिरका चिन्ह लगे, कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। और ये बड़े मात्रक कौन कौन से होता है बेटा, तो किलोवाट होता है, यानी केडब्ल्यू को कहते हैं किलोवाट, किलोवाट कहते हैं केडब्ल्यू को। दूसरा कहते हैं बेटा मेगावाट, दूसरा क्या होता है भाई, मेगावाट, मेगावाट को एमडब्ल्यू लिखते हैं, यानी इसको लिखते हैं मेगावाट, मेगावाट। क्लियर है ना? हिंदी में लिख लेते हैं मेगावाट, हिंदी में लिखेंगे मेगावाट। क्लियर है ना? एमडब्ल्यू। और तीसरा होता है बेटा, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी बस जरूरी है, जी डब्ल्यू यानी जीगावाट। क्या होता है भाई बेटा, जीगावाट होता है, जी डब्ल्यू। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान दोगे कि 1 kilowatt इक्वल टू 10^3 जूल होता है, 10^3 जूल होता है। 1 megawatt इक्वल टू होता है 10^6 जूल, 10^6 जूल। और फिर 1 gigawatt इक्वल टू होता है 10^9 जूल, 10^9 जूल, यानी 10^9 जूल, 10^9 जूल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, 1 gigawatt, 10^9 जूल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, 1 gigawatt। क्लियर है ना बाबू? आगे बढ़े हम लोग। तो आप इसे जल्दी से वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जल्दी से बेटा, जल्दी से फटाफट। और जो छोटा वाला बोतल था उसमें दे दो। वो अच्छा है ना? अच्छा है ना बोतल? या इससे पहले उसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए और इसी में दे दीजिए। चलिए हो गया बाबू आप लोगों का। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े बेटा। चलिए हो गया। बिल्कुल बालाजी हो गया, अनुष्का हो गया, आयुष, गुड़िया कुमारी, पायल हो गया बनी। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक आता है बेटा कि अब 1 kilojoule बराबर 1 megajoule, 1 gigajoule बराबर हमने क्या देखा, 1 kilojoule। देखना बेटा हमने क्या देखा, 1 kilojoule, यानी हमने देखा 1 kilojoule इक्वल टू 10^3 जूल देखा। क्लियर है ना? किलोजूल क्लियर है, 1 megajoule एम जे बराबर क्या देखा, 10^6 जूल देखा। और 1 gigajoule यानी जीजे कहते हैं, गीगाजूल को क्या कहते हैं भाई, जीजे, यानी 1 gigajoule बराबर क्या देखा बेटा हमने, 10^9 जूल, 10^9 जूल देखा। क्लियर है ना? यहाँ जो पीछे थोड़ा सा हम लोगों का था, यहाँ वाट की जगह पे हम जी बना लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, जी बना लेंगे, जो वाट लिखा गया है उसको जे बनाएंगे, जो भी वाट का काम किया गया है उसको थोड़ा सा जे करना है। थोड़ा सा अंतर हो गया, थोड़ा सा दिल टूट गया इसके वजह से। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसने गलती क्यों करी। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमने पढ़ लिया, ये बात हमने क्या किया बेटा, पढ़ लिया ना। दूसरी बात भी पढ़ ली हमने, नीचे लिखेंगे कार्य का एसआई मात्रक कार्य। अब दूसरी बात हम लिखेंगे बेटा, ध्यान देना कि कार्य नहीं जूल, ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या यार आप भी ना, क्या आप भी कुछ रुक करते रहते हैं जब देख रहे हैं कि लाइट नहीं है तो। आगे देखिए ऊर्जा, नीचे से तिरका चिन्ह देख के लिखेंगे, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। यानी इनर्जी क्या होता है बेटा, इनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्लियर है। अब एक जूल की बात हमने क्या करी, यानी अब अगर कोई आपसे पूछे, बिल्कुल याद रखना बेटा, एक जूल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यानी एक जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक एक जूल, यानी एक जूल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। क्लियर है ना, एक जूल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। क्लियर। तो देखिएगा एक जूल का शाब्दिक अर्थ लिख देते हैं बेटा, कि किसी वस्तु की ऊर्जा एक जूल है। यदि किसी वस्तु की ऊर्जा, किसी वस्तु की ऊर्जा ऊर्जा एक जूल है, तो इसका शाब्दिक अर्थ यह है, तो इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि, तो इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि, क्या शाब्दिक अर्थ है कि वस्तु को एक जूल कार्य करने की क्षमता होती है, कि वस्तु में एक जूल कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तु में एक जूल कार्य करने की क्षमता होती है। वस्तु में कितने जूल कार्य करने की क्षमता होती है बेटा, एक जूल कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तु में एक जूल कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तु में कितने जूल कार्य करने की क्षमता होती है, एक जूल। यानी कोई कहे कि किसी वस्तु की ऊर्जा एक जूल है, तो इसका शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग क्या होगा, लिटरल मीनिंग देखा जाए तो उस वस्तु में एक जूल कार्य करने की क्षमता होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। तो अब हाँ, चाय लेके आइए बिना चीनी का चाय नहीं, एक ही कप लेके आइए। नहीं सर, क्या बनी पायल, क्या कह रही हो? अच्छा चाय नहीं पीना है? नहीं हमें तो पीना है बेटा, हमें भूख लग गई है। आप लोग तो घर पे हो, हम आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं, यहाँ कुछ मिलता भी नहीं है। हम लोग जिस मार्केट में हैं और हम तो चाय के दीवाने हैं, ठीक आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, एक मेरे लिए भी। एक काम करो बेटा, घर पे बनवाओ ना, हम आते हैं अभी थोड़ी देर बाद, पायल घर पे बनवाओ। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अगर किसी वस्तु की ऊर्जा एक जूल है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बेटा, इसका शाब्दिक अर्थ है कि उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता कितनी है भाई, एक जूल है, कार्य करने की क्षमता कितनी है, एक जूल है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नीचे से लिखेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप, यानी यहाँ तो नहीं अटने वाला है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर तो 30 मिनट बंद कर दीजिएगा। हाँ 30 मिनट तो बंद करना पड़ेगा। ओके गुरुजी। चलिए अनुष्का कुमारी आप भी बनवा सकती हैं चाय अपने। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़े हम लोग। बालाजी महाराज स्क्रीनशॉट डन। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। ऊर्जा के विभिन्न रूप हेडिंग डालिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप, विभिन्न
रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और ऊर्जा के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। नीचे से लिखेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं, और सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऊर्जा और ई यानी ई आर जी वाई, हो गया बेटा एनर्जी। और एनर्जी से हम दो बातें ज्ञात करेंगे, पहली बात तो बेटा यांत्रिक ऊर्जा, पहला जो होगा उसको लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक लिखा गया है, यांत्रिक ऊर्जा को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना बेटा। दूसरा होता है अयांत्रिक ऊर्जा जिसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा क्या होता है बेटा अयांत्रिक ऊर्जा, अयांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा जिसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। पहला क्या हो गया बेटा मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा क्या हो गया नॉन मैकेनिकल एनर्जी। अब देखोगे जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की। ए नंबर होता है जिसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को के ई या और में बेटा ई के से डिनोट करते हैं। और दूसरा इसका टाइप होता है बेटा गतिज ऊर्जा, दूसरा बी नंबर होता है स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा बेटा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को बेटा पी ई और में ई पी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को किसे डिनोट करते हैं बेटा, पी ई से और ई पी से। क्रिएटिव टेक गेमिंग, बहुत लेट से आए आप, चलिए आपका हाय। सर मंत्र पढ़ रहे हैं क्या? जी नहीं, मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं बाबलक। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे बेटा अगला जो टाइप है इसके विभिन्न रूप होते हैं, इसके बेटा विभिन्न रूप होते हैं, और ये विभिन्न रूप कौन कौन होते हैं देखना। सबसे पहले तो पहला होता है बेटा ऊष्मा ऊर्जा, यानी ऊष्मा ऊर्जा। दूसरा होता है बेटा, फटाफट लिखते हैं, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तीसरा होता है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उसके बाद बेटा होता है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। उसके बाद होता है बेटा विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। उसके बाद होता है बेटा सौर ऊर्जा, क्या होता है बेटा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। उसके बाद होता है बेटा जल ऊर्जा, जल ऊर्जा। क्लियर है ना बेटा, चलो ऊष्मा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। उसके बाद चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, सब बहुत सारा, बहुत सारा, एटीसी भी कर सकते हैं, इसका बहुत सारा टाइप होता है। अयांत्रिक ऊर्जा का बहुत सारा टाइप होता है, इसमें पहला क्या हुआ ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा का इंग्लिश होगा हीट एनर्जी, क्या होगा बेटा ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। चलो बाबू लोग इसको केमिकल एनर्जी लिखोगे, केमिकल एनर्जी लिखोगे, इसको लिखोगे पवन ऊर्जा, विंड, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी लिखोगे, इसको लिखोगे साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, इसको लिखोगे विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको लिखोगे सोलर एनर्जी, क्या लिखोगे सोलर एनर्जी। क्लियर है ना, इसको लिखोगे वाटर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी, वाटर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी, पहले वाटर लिख लो, वाटर एनर्जी,
EMERGY या कुछ लोग इसी को हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, और मैं हाइड्रो एनर्जी और इसको कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। हो गया बेटा मैग्नेटिक एनर्जी। चलो फटाफट आप सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत अच्छा। सौर फोन घर पे नहीं था, चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जुड़ जाओ और फिर बैकलॉग जो लगा होगा उसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए बहुत अच्छा बाबू लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत अच्छा। आप सभी लोग पहले इसे नोट करें, जल्दी से नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बाबू, जल्दी से, और जल्दी कमेंट करें। हो गया बाबू लोग, हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छी बात, हो गया, बहुत अच्छी बात, हो गया सर, हो गया, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला हम लोगों का पहला ऊर्जा जो होगा फटाफट, पहले हम क्या करेंगे, पहले हेलो, चलिए पहला हेडिंग डालिएगा बाबू लोग, पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग फटाक से, फर्स्ट वाला हेडिंग डालिएगा, और फर्स्ट वाला क्या है बेटा बोलिए, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा। हाँ सर बढ़िए, बिल्कुल बढ़ रहे हैं बालक, थोड़ा सा कॉल इसी में आ जा रहा है। ठीक, पहला क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, पहला हेडिंग डालेंगे यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा बताइए बालक, यांत्रिक ऊर्जा पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा का वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु कुछ यांत्रिक कार्य आसानी से कर सकता है, यानी पहला हेडिंग डालेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा लोग, यांत्रिक ऊर्जा, पहला क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को ध्यान से देखना बाबू, तो कहता है कि वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ यांत्रिक कार्य, और यांत्रिक कार्य का मतलब जैसे क्या होगा भाई, चलना, दौड़ना, PTC लिख सकते हैं, यांत्रिक कार्य कर सकता है, कुछ यांत्रिक कार्य कर सकता है, क्या कहलाता है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यानी वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ यांत्रिक कार्य जैसे चलना, दौड़ना इत्यादि कर सकता है, क्या कहलाती है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा, क्लियर है ना। चलिए हेमलता क्या हाल चाल है आपका, बहुत अच्छा, अभी नाम बताइए आप, कुछ यांत्रिक कार्य कर सकता है उसे क्या कहते हैं बेटा, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, क्लियर। चलिए दे दीजिए इधर, बिना चीनी का है ना, आगे बढ़ा जाए। अच्छा अभी बच गया है, क्या इसमें दे दीजिए जो बचा है। चलिए यांत्रिक ऊर्जा,
या दूसरा जो प्रकार होता है बेटा, या दूसरी भाषा में इसे हम कह सकते हैं। अरे वाह क्या बात है यार, वाह, अरे वाह क्या बात है भाई, आप लोगों को जलन हो रही है, हम चाय पी रहे हैं तो। और चाय के साथ बिस्किट हो या नमकीन हो यार, कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ राहुल बाबू गर्मा गर्म चाय। अकेले अकेले चाय पी रहे हैं, नहीं बनी मुस्कान, अकेले अकेले नहीं पी रहे हैं, कोई अपने घर पे बुलाता ही नहीं हमको, हम क्या करें। गलत बात नहीं है, नहीं आप लोग खा जाओ नमकीन, आप लोग खा जाओ यार, सर हम लोगों को भी बिल्कुल ऑनलाइन में ही लेके पी लीजिए आप लोग। आगे बढ़े, चलिए हाय हम चाय पी लिए, चलिए आइए बढ़े। मिसाल लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा की योग को, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योग को, योग यानी योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलो देखोगे भाई, यानी इनके योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है सर जी, हम भी हैं बिल्कुल। कनिष्क मिश्रा है ना आप, कनिष्क बाबू, सौनभ, ज्योति मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, हेलो बनी पायल, क्या हाल है, चाय बन गया, बिल्कुल मिल जाएगा बनी पायल चाय आपको, अपने मम्मी से आप बोलो वहीं पे घर पे, बिल्कुल चाय आपको मिल जाएगा। चलिए, यानी गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक नहीं बेटा, यहाँ स्थितिज कर लेना, आई एम सॉरी, चाय के चक्कर में हम लोगों का क्या से क्या हो रहा है, यानी स्थितिज ऊर्जा लिख लेना, स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखना सबसे पहले कि द सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक इनर्जी एंड पोटेंशियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी एंड पोटेंशियल इनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, यानी द सम ऑफ काइनेटिक इनर्जी एंड पोटेंशियल इनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा हम लोगों का क्या आता है भाई, सबसे पहला प्रकार इसका तो गतिज ऊर्जा, क्या आता है गतिज ऊर्जा। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे गतिज ऊर्जा, पहला हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक इनर्जी कहते हैं, और काइनेटिक इनर्जी कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, तो फटाफट क्या लिखेंगे देखिएगा, कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। जैसे सपोज दैट, समझो पहले कि कोई वस्तु है
क्यों जलन होगी? नहीं श्रेया बनी कोई दिक्कत नहीं है, जलन की बात नहीं है, पढ़ाई की बात है। अब पढ़ाई पे ध्यान दे, जलने की बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर पे चाय बनवाओ, हम आते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और आप देखते हो कि दौड़ने के बाद जो शरीर में अलग प्रकार की एनर्जी आती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। हम सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा हमने बोला, गतिज ऊर्जा कहेंगे। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, by virtue of its motion is known as kinetic energy। यानी जो उसकी गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। दौड़ने के बाद साइकिल चलाते हो तो बहुत ज़्यादा शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी एनर्जी को क्या कहेंगे? हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। चलिए बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए बाबू लोग, जल्दी नोट कीजिए। ठंडापन मिलेगा उसमें। चलिए हो गया बाबू लोग, आगे बढ़े हम लोग, जल्दी कीजिए बाबू लोग, हो गया। चलो आगे बढ़ते हम लोग, हो गया सर जी, हो गया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी कीजिए, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट डन, हो गया। अंकेश बाबू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अंकेश बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का, नीचे से तरीका चिन्ह देके लिखिएगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के वेग क्या होगा? वेलोसिटी होगी ना। उस वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है, वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी देन ऑल्सो इंक्रीजेज इट्स काइनेटिक इनर्जी। यानी सीधी बात करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्लियर है ना? Increased its kinetic energy. Its kinetic energy. यानी अब देखना बेटा, सबसे बड़ी बात कि यानी हमने करने क्या है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वस्तु के वेग की। यानी काइनेटिक इनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी काइनेटिक इनर्जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्लियर है ना? कोई दिक्कत? यानी इसका मतलब ये हुआ, यह बढ़ेगी
तो ये भी बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, क्लियर है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। राहुल बाबू, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब राहुल बाबू हुआ कि उस वस्तु का वेग भी बढ़ रहा है, क्लियर है ना। हेमलता समझ में आ रहा है आपको? गुड़िया समझ में आ रहा है? अंकेश बाबू समझ में आ रहा है? सर सेफ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, तो आप थोड़ा सा आप देखो अपना नेटवर्क प्रॉब्लम इशू होगा आपके पास, हमारे पास नेटवर्क इशू नहीं है बेटा, क्लियर है ना। हम लोगों का नेटवर्क इशू ऑलरेडी बढ़ चुका है, हम लोगों का नेटवर्क हाई है, एक्सीलेंस कलेक्शन कनेक्शन पे चल रहा है। आप थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आए, ठीक, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चले गए हैं आप जिंदगी में भी और अपने फोन में भी। नेटवर्क क्षेत्र में रहने का बेटा फायदा जानते हो क्या होता है? जिंदगी एक ट्रैक पर बनी होती है और लक्ष्य बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, मार्ग भटकता नहीं है, जीवन भटकता नहीं है, इसलिए जिंदगी में नेटवर्क क्षेत्र में बने रहे हैं। और वह नेटवर्क क्षेत्र क्या है? तो आपके मम्मी पापा का नेटवर्क क्षेत्र, आपके गुरु जी लोगों का नेटवर्क क्षेत्र, जहाँ आप भटक नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग, तो अब देखो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वस्तु का वेग बढ़ेगा, वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा उदाहरण देख लो, उदाहरण क्या है, वो कहता है बेटा दौड़ती हुई लड़की, चलो लड़की को आप दौड़ाओ, दौड़ती हुई लड़की कमा उड़ती हुई चिड़िया, क्लियर है ना। जिंदगी से चिड़िया को उड़ा दो, जिंदगी बहुत मजे में चलेगी। बहता हुआ पानी, गतिशील गेंद, लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ हुआ पानी, लुढ़कता हुआ लुढ़कता हुआ पत्थर, क्लियर है ना। लुढ़कता हुआ पत्थर, गतिशील साइकिल, अच्छा क्या बात है भाई, गतिशील साइकिल या बस या ट्रक, क्लियर है ना। और लास्ट में बेटा लिख लेना, क्या जानते हो क्या लिखना? उड़ती हुई पापा की परी, उड़ती हुई पापा की परी, ये भी लिख लेना, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है गुड़िया? सर मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा हेमलता, पापा परी ही क्यों चलिए हो गया, आप लोग यहां ध्यान दें, चैट कम करें और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी करें, हो गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हो गया बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी,
एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, चलो गतिज ऊर्जा का व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, चलोगे बेटा देखोगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है ना, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का व्यंजक। जय बाबा बालनाथ, जय बाबा बालनाथ, हर हर महादेव ब्यूटी, हर हर महादेव। चलिए, और आप लोग इतना चैट ना करें, आप लोग इतना चैट ना करें। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अब समय का अभाव है, यही कहना चाहते हैं। अच्छी बात है, समय का अभाव तो होगा ही। चलिए, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक बेटा, समय का थोड़ा सा अभाव है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, रहने देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यू पी सी एम क्लासेस का लाइव क्लास ज्वाइन करते रहिए। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इम्प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बोलिए सब लोग, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जल्दी बोलिए।